दीदी दीदी पम्मी मिताली। अरे वाह भाई वाह, मैं कुछ दिन पिंड क्या चली गई, सारी की सारी मुझे भूल गई। आ गई तू? ना जी ना, अभी तो सिर्फ मेरे आने की खबर आई है। हो गई ना चालू। दीदी आप मुझे स्टेशन लेने क्यों नहीं आई? क्योंकि तूने खबर ही नहीं की कि महाबदौलत आ रही है। वैसे दीदी अचानक आने का मजा ही कुछ और होता है, और मैं ये देखना चाहती थी कि मुझे सामने देख के आपके चेहरे पे कितनी खुशी आती है। कैसी है मेरी दीदी, मेरी जान? मैं बहुत अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। नमस्ते दासी। नमस्ते बेटा, कैसी हो रचना? और तुम्हारा वो छोटू, वो तो बहुत ही शैतान हो गया। शैतान हो गया? अब मैं आ गई हूँ ना, देखना उसकी शैतानियाँ कैसे निकालती हूँ मैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अबे क्या कर रही हो? तुम ही तो मुझे यहाँ लेके आए। Don't act smart with me, मैं इस जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। क्यों आई हो यहाँ पर? वो मैं एक्चुअली क्या सोच रही हो ना, मतलब झूठ बोलने वाली हो? नहीं, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं वो घर पे अजीब फील कर रही थी तो मैंने सोचा कि बाहर जाके अच्छी हवा खा लूं। अच्छा, तो इस रेस्टोरेंट में फ्रेश हवा खाने आई? झूठ बोल रही हो ना मुझसे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ अभी। ओ प्लीज तनु, कम से कम तुम तो ये सब मत करो ना। पता है आज तक प्रज्ञा ने मेरे साथ ये सब कुछ नहीं किया, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अभी प्लीज ऐसा मत बोलो। तो फिर क्या बोलूं मैं? एक तो तुम्हारी वजह से मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैं करना नहीं चाहता, और जब मैं वो काम कर रहा हूँ तो तुम्हें मुझ पर शक है। फायदा ये क्या है डिवोर्स देकर अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है? तुम तो जिंदगी पर मुझ पर शक करोगी ना। अब चुप क्यों? बताओ ना क्यों आई थी? अब मुझ पर नजर रख रही थी ना तुम? हाँ रख रही थी मैं नजर। अब तक मैंने सोचा कि यहाँ पे आके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बट नहीं, अब मैं रियलाइज कर रही हूँ कि यहाँ पे आके मैंने बिल्कुल ठीक किया। तुम जिस काम के लिए यहाँ पे आए हो वो काम तो तुमने शुरू भी नहीं किया। हाँ नहीं किया, और मैं वो करूंगा भी नहीं। नहीं देने वाला मैं उसे डिवोर्स, क्योंकि जो भरोसा वो मुझ पर दिखा रही है उसमें मेरा ही फायदा है ना। तो अब तुम्हें उससे हमदर्दी हो रही है, वो तुम्हें सही लग रही है राइट? मैं किसी का अच्छाई या बुराई नहीं देख रहा, मैं बस अपने आप को देख रहा हूँ, जो मुझे ये नहीं बता रही है कि वो मेरी पत्नी है या तो मेरी होने वाली पत्नी। मैं वही हूँ जो मैं हुआ करता था। मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। अगर कोई मेरे साथ गलत करता है ना, मैं उसके साथ गलत नहीं कर सकता। मैं प्रज्ञा को शराब पिलाकर उन पेपर्स पर साइन थोड़ी ना ले सकता। इसलिए तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स, मैं उसे अपने तरीके से डिवोर्स दूंगा, तुम्हारे तरीके से नहीं। अभी थैंक गॉड कुछ खाने को मिल गया, बहुत भूख लग रही थी। क्या हुआ, साइन हो गया क्या? नहीं आया, पेपर साइन नहीं हुए, बल्कि वो हुआ जिसका मुझे डर था। अभी पलट गया और उसने मुझे कहा कि वो प्रज्ञा से धोखे से सिग्नेचर नहीं लेगा, वो पहले मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ गया। क्या यार, ये भाई की क्या प्रॉब्लम है? हर बार लास्ट मिनट में आके काम बिगाड़ क्यों देती? एंड व्हाट धोखा? भाई ने तो वही किया ना जो प्रज्ञा ने उसके साथ में किया। वही तो। क्या वही तो? तुम वही थी ना? तुम भाई को समझा नहीं सकती थी? मैं तो बहुत बोलती रहती हूँ। मैंने भाई को इमोशनल किया, ब्लैकमेल किया, ब्ला 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 ब्ला। सही टाइम पर तुमसे कुछ काम होता नहीं है वैसे तनु। ये जो तुमने प्रज्ञा के साथ 24 घंटे का चैलेंज लिया है ना, इस हालत में तो तुम उसे कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। वो तो छोड़ो, वैसे 24 महीने में ना तो तुम भाई को भी अपना नहीं बना पाओगे। तुम्हारा बच्चा बाहर आ जाएगा, लेकिन तुम भाई की पत्नी नहीं बन पाओगे। अरे मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या? तुम बस एक बात सुनो, अगर प्रज्ञा ने ये डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए ना तनु, तुम्हारे लिए ही बुरा होने वाला है। कि मैं ज्यादा दिन घर में टिकने नहीं वाली, और अगर ऐसा हुआ तो आगे से मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी, समझी? एक तरफ ये भाई, दूसरी तरफ उसकी ये बहन, दोनों के दोनों जब तक मुझे बातें सुनाते रहते, पर मुझे कुछ तो करना होगा, वरना ये प्रज्ञा मेरा पैंट बजा देगी। जस ऐसे क्या देख रही हो? नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। ये कॉकटेल है ना, इसमें 3 अलग फ्लेवर होते हैं, इसलिए ऐसा अजीब टेस्ट करता है।
तुम फिर से इसे ऐसे देख रही हो? अरे जल्दी से इसे घटक डालो और चलो घर पे, बहुत हो गई ये पार्टी वार्टी। कम ऑन। कीप, ये तो हार्ड ड्रिंक है। ये रहा सर आपका मॉकटेल जूस। अगर ये मॉकटेल जूस है तो फिर ये क्या है? सॉरी सर, ये टेबल नंबर 3 की ड्रिंक्स है। ये हार्ड ड्रिंक है सर, गलती से आपके पास आ गई। तुमने गलती से इसे शराब पिला दी, वो भी इतना बड़ा पैक। आपने भी करेक्ट कहा था, इसमें ना 3 फ्लेवर है, 3 लव, केयर एंड इमोशन। मेरा फेवरेट ड्रिंक है ना। आई एम रियली सॉरी सर, ये सब मेरे जूनियर्स की वजह से हुआ है। अरे वो जूनियर था, तुम तो सीनियर हो ना, तुम क्यों जूनियर जैसे बिहेव कर रहे हो? तुम्हें अक्ल नहीं। सॉरी सर, मेरी कंप्लेंट मत कीजिए वरना मेरी जॉब चली जाएगी। अगर तुम इसी तरह सर पे खड़े रहे ना तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। मैं नजर आ रहा हूं? ये पूछे कहां नहीं नजर आ रहे, यहाँ नजर आ रहे, यहाँ नजर आ रहे, यहाँ नजर आ रहे, यहाँ भी नजर आ रहे। बस 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 बस, लगता है इसे चढ़ गई है। तुम एक काम करो, तुम इसे पियो, फिर मैं कहीं भी नजर नहीं आऊं। जल्दी जल्दी पियो इसे, जल्दी क्विक। ओके। जिस चीज से मैं डर रहा था वही हो गया मेरे साथ। क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो, मैंने जो तुम्हें कहा वो करने में तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब कुछ करने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कहते मैं प्रज्ञा को धोखा नहीं दे सकता, और यहाँ पे उसके साथ बैठ के रोमांस कर सकती हूँ तुम? अरे तुम जाओ ना। मैं कहीं नहीं जाऊँ, जब तक तुम इन पेपर्स पे प्रज्ञा के साइन नहीं लेते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर इस बार इन पेपर्स पे साइन नहीं हुए ना, मैं ये बच्चा किसी और को दे दूंगी। बच्चे वाली तनु, इधर आओ। तनु तुम भी इधर बैठो, हम लोग साथ मिल के सेलिब्रेट करेंगे। कितना मजा आएगा जब साथ में बैठेंगे 3 लोग, पति पत्नी और वो तो मैं नहीं हूँ, वो तो ये है ना। क्यों, सही बोल रही हो ना? मैं तुम यहीं पर बैठो, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन पार्टी पार्टी खत्म हो गई। पार्टी तुम उसके सामने क्यों आई? क्यों, तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो गई या रोमांस? जो शराब तनु, मुझे चुप कराने से क्या होगा? मेरी आंखें तो खुली ना, सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम वहाँ पे कर क्या रहे थे। उसे भी दिखाई दे रहा है जो तुम कर रही थी, और वो उसे सुनाई भी दे रहा है जो तुम बोल रही थी। हाँ, लेकिन वो नशे में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं ले रहे। तुम चाहते ही नहीं उससे अलग होना। तनु तुम फिर से शुरू मत कर। तो तुम खत्म कर दो ना। तुम उससे धोखे से सिग्नेचर नहीं लेना चाहते थे ना, ठीक है। अब तो उसने खुद शराब पी ली, वो नशे में, अब तो सिग्नेचर ले सकते हो। तुम्हें ना खुद को बदलना पड़ा ना, तुम्हारे ईगो को चोट पहुंच रही है। ये लो पेपर्स और उससे साइन करवा लो। खुद तुम्हारा रास्ता क्लियर किया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आओ। तनु, तनु क्या हुआ? वो लगते बेबी ने किक मारी। तुम ठीक तो हो ना? स्टॉप इट अभी, ये झूठा कंसर्न मत दिखाओ। और अगर सच में तुम्हें इस बच्चे की इतनी फिक्र होती ना तो अब तक तुम साइन ले चुके होते। पर हमेशा मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि हमारी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुमने खुद कहा था ना कि ना तुम उसकी साइड हो ना मेरी साइड, तुम खुद अपनी साइड हो, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह। अभी इस बच्चे की परवाह कौन करेगा? इसके फ्यूचर के बारे में कौन सोचेगा? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर तुम्हें इस बच्चे को अपना कहने का भी कोई हक नहीं है। चलो, गाड़ी में बैठो। अरे नहीं, ऊपर जाना ना, बादलों के पार जाना। अरे इसे पीने के बाद ही गाड़ी क्यों चलानी होती? उस टाइम भी कितना हंगामा किया था। तुम कार नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि लाइसेंस नहीं है ना तुम्हारे पास। लाइसेंस है ना,
लाइसेंस मेरी चाहत है ना, वो मेरी लाइसेंस है। लाइसेंस टू ड्राइव, लाइसेंस टू फ्लाई। कैसे संभालू इसे, अरे बच्चों की तरह बिहेव कर रही। अच्छा तुम गाड़ी चलाना चाहती हो ना, तो तुम्हें इन पेपर्स पे साइन करना। ठीक है, लाइसेंस पेपर्स मैं साइन करती हूँ, मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। अरे मुझे लाइसेंस पेपर, अरे मेरा लाइसेंस, अरे पेपर्स कर। ए! अगर अपनी सलामती चाहते हो तो ये लाइसेंस पेपर मुझे दे दो। ये मैं क्या कर रहा हूँ, धोखे से ही तो साइन करवा रहा हूँ, वही कर रहा हूँ जो मैं खुद करने से मना कर रहा था। उल्लू बनाया, मेरे पास तो गन है ही नहीं। ये लो पेपर साइन कर दी मैंने, लाइसेंस, मेरा लाइसेंस पॉकेट में है, मैं ले लूंगी। लाइसेंस भी पीछे रखा है, ए वॉलेट में लाइसेंस। लाइसेंस, मेरा लाइसेंस मिल गया, ये रखो, अब मैं गाड़ी चलाऊंगी। अरे चाबी, वो तुम गाड़ी नहीं चला सकते, तुमने शराब पी रखी है ना, तो शराब पी के क्या कर सकते हैं? गाड़ी चलाने के अलावा कुछ भी कर सकती हो। कुछ भी करना ना सकते गाड़ी चला लो, एक्सीडेंट हो गया चलेगा, लेकिन तुम गाड़ी चला। चाबी 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 तुम गाड़ी में बैठो, मैं चाबी देता हूँ, बैठो। स्टार्ट हो गई गाड़ी। अच्छा अम्मा, मुझे भी तो आने दो गाड़ी में। हाँ जल्दी जल्दी आ जी, जल्दी आ जी अभी। पेपर्स तो कौन से पेपर्स? अभी बनो मत, मैं जानती हूँ प्रज्ञा ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन किया, जल्दी से मुझे दो। मेरे पास वो पेपर्स नहीं। अभी मैंने तुम्हें गुस्से में इतना सब कुछ कह दिया। चुनो ये डिवोर्स पेपर्स नहीं है, हमारी शादी का सर्टिफिकेट है। और मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसका क्या पता है? ये कागज ये सर्टिफाई करता है कि मैंने अपने फायदे के लिए किसी को अंधेरे में रखा, अपना काम निकालने के लिए किसी से झूठ बोला है मैंने। अभी तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलत किया है मैंने? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे इस तरह प्रज्ञा से डिवोर्स नहीं लेना है, लेकिन तुमने जबरदस्ती मुझे फोर्स किया है सब करने। प्रज्ञा जैसी भी है, उसने मुझे अपने नजरों में गिरने नहीं दी। शर्म आती है मुझे खुद पर कि मैंने उसके प्यार और भरोसे का फायदा उठाया। अभी प्लीज ऐसा मत कहो, तुम पहले जैसे ही हो, बस तुम्हारी लाइफ पहले जैसी नहीं है। सो प्लीज पास्ट में जीना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है प्रज्ञा तुमसे प्यार करती है? तुम्हारी फुग्गी तुमसे प्यार करती है? नहीं, अभी वो प्रज्ञा अरोरा है, वो तुमसे नफरत करती है, सिर्फ तुम्हें यूज किया है उसने, और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो, इसलिए उसे फुग्गी की जगह मुगैम पर बुलाते हो। अभी उसने तुम्हें बर्बाद किया है, आधा बर्बाद उसने तुम्हें किया, आधा तुम खुद अपने आप को कर रहे हो। पर तुम ये मत भूलो अभी कि तुम्हारी लाइफ में मैं भी हूँ, ये हमारा होने वाला बच्चा भी है। प्लीज अपने पास्ट को भूल जाओ, उसे भूल जाओ, और अपनी फैमिली के बारे में सोचो अभी। अरे जल्दी करो, गाड़ी छूट जाएगी, मैं चली जाऊंगी। तुम घर जाओ, मैं प्रज्ञा को घर लेके। ठीक है, घर पे मिलती। क्या ये था? What is this? अभी और प्रज्ञा का डिवोर्स, जिस पर एक्चुअली प्रज्ञा का साइन भी है।
वजह से किया तुमने ये सब? हाँ हो गया काम तुमसे, मतलब जो काम तुम इतने टाइम में नहीं कर पाए ना, वो काम मैंने और आलिया ने मिलके कर लिया। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, सो प्लीज मुझसे मिलने की या फोन करने की कोशिश मत करना। अरे क्या ढूंढ रही हो? अरे हमारा घर नहीं मिल रहा है। हाँ तो था, किधर गया? ऐसे बिना बताए जा सकता है? सो इर्रेस्पॉन्सिबल। मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है ना आप ठीक बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, घर इधर है ही नहीं। घर गुस्सा होके चला गया, हमें देर हो गई ना। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मुझे घर की लाइट नजर आ रही। मैंने गाड़ी तेज चलाई ना, बहुत तेज, तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाए। मैं घर को पकड़ लूंगी। आप इधर ही रहो। अरे उस तरफ घर, अरे घर रुक जा। अरे मोगैम्बो क्या, अरे मोगैम्बो तुम कहाँ हो? दादी हम पास में ही है, बस आप सो जाइए ना, हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। ठीक है ठीक है, चलो। क्या हुआ दादी? मुझे लगता है ठीक ही है। तनु क्या बोल रहे थे? मुझे लगता है कि ये जो रोनिक के हमने झटके दिए है ना उसको, उससे तनु का दिमाग जो है ना हिल गया है। हाँ हो सकता है दादी, क्योंकि अगर कुछ हुआ होता तो प्रज्ञा दी हमें कॉल करके बताती। ओ वाहेगुरु करे सब ठीक ही हो। ओए, अरे तुम नीचे क्यों बैठी हो? मेरे को चोट लगी है ना। अरे कहाँ लगी है चोट? इधर इधर लगी है चोट। इतनी बड़ी चोट? अरे अब तो बहुत बड़े डॉक्टर को बुलाकर बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा तुम्हारा। ऑपरेशन? हाँ, पर तुम टेंशन मत लो, वो डॉक्टर मेरे पहचान का है, मैं उस डॉक्टर को बोलूंगा तुम्हारा पेन लेस ऑपरेशन करने के लिए। मेरा मजाक उड़ा रहे आप। तो शुरुआत किसने की थी? हा? चोट लगी है, चोट लगी, कहाँ लगी है चोट? चोट चोट लगी है ना, लेकिन आपको तो नजर ही नहीं आती ना, आपको तो तनु की चोट नजर आती है। वो आपको उल्लू बनाती तो आप उल्लू बनते, मैं उल्लू बनाती तो क्यों नहीं उल्लू बनते? उसकी चोट पेन लेस चोट और तुम्हारी चोट पेन चोट। वो झूठ बोलती है आपसे तो आपको सच लगता है, और मैं सच बोलती तो आपको झूठ लगता है। उसका झूठ मानते लेकिन मेरा सच ही नहीं मानते आप। अरे मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा कोई मतलब ही नहीं होता, मैं मतलब के लिए कुछ नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैं साहब आपका घर आ गया जी, चलो जल्दी उतरो। अरे चलती हुई रिक्शा से उतरोगे तो गिर जाऊंगी ना। अरे उतरो वरना हमारा घर और आगे निकल जाएगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पकड़ लेती हूँ। जल्दी पकड़ो। बस अब ये लो। सर वो घर मैडम? अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगा, वरना घर का पता नहीं मेरी बीवी भाग जाएंगी। आप रॉकस्टार साहब एक बात बोले, आपकी बीवी ना आपको छोड़ के कभी नहीं भागेंगी। आपकी बीवी आपसे बहुत प्यार करती है साहब, बहुत सारी सवारियां मेरी गाड़ी में बैठती उतरती हैं, कपल बैठते हैं, प्यार करते हैं, रोमांस करते हैं, पर ऐसा कपल इन आंखों ने पहली बार देखा है। प्यार के साथ आपका भरोसा दिखाई दे रहा था,
जब आपकी बीवी आपका हाथ पकड़ के बैठी थी ना रिक्शे में, तो उन्हें ऑटो रिक्शा का नहीं आपसे अलग होने का डर था। वो आपसे अलग नहीं होना चाहती हैं, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। जब वो नशे में थी ना, तो नशे में उनका होश खो रहा था, लेकिन आपका प्यार और विश्वास नहीं खो रहा था। साहब वो बीच सड़क पर यहाँ से वहाँ घूम रही थी, उन्हें डर नहीं था, उन्हें अपने प्यार पर भरोसा था। भगवान ना करे कभी अगर आप उनसे अलग हुए ना, तो वो आपसे कभी भी अलग नहीं हो पाएंगी। आप जहाँ जाएंगे आपके पीछे पीछे आएंगी, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। साहब मैं 100% के साथ कहता हूँ कि वो आपको बहुत प्यार करती हैं। लेकिन साहब जो मेरे साथ हुआ ना साहब, वो किसी के साथ भी ना। 83, 84, 85। क्या कर रही हो? तारे गिन रही हूँ यहाँ से वहाँ तक। अगर मैंने सारे तारे गिन लिए ना, उसमें से एक तारा टूट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा, फिर वो मेरी विश पूरी कर देगा। ठीक है, मैं काउंटिंग करती हूँ। 26 हो गई ना, मैं फिर से काउंटिंग करनी पड़ेगी मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक सही इंसान को एक गलत इंसान के लिए छोड़ रहा हूँ? तो सही गलत का तो पता नहीं, पर मैंने बहुत गलत किया। जो मेरे साथ रहना चाहती है, मैंने धोखे से उसी से डिवोर्स ले लिया। फिर से लिखना पड़ेगा, मैं बार बार भूल जा रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मुझे क्या देखते हैं, आप भी काउंटिंग कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैं ना तारे को बोल के आपकी भी विश पूरी कर दूंगी। ओके ओके। 1, 2। जीने के लिए क्या चाहिए, पैसा या प्यार? अच्छा लाइफ पार्टनर कौन है, अच्छी सूरत वाली या सच्चे दिल वाली? इसका जवाब जो भी हो, पर मुझे जीने के लिए इसकी ये मासूमियत ही चाहिए। ये जब नहीं थी तो मैं इसकी हरकतें मिस करता था। इसके बिना वो सारे दिन मेरी लाइफ के सबसे बुरे दिन थे। रोज खुद से पूछता था ये मुझे छोड़ के क्यों चली गई, और आज खुद इसे अपने से अलग करके मैं रोज अब खुद से पूछूंगा कि मैंने इसे क्यों छोड़ा। इसलिए क्योंकि इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, या इसलिए कि इसने वापस आकर मुझे मेरा वो सब कुछ दे दिया जिसे मैं मिस करता था? ये मुझे यूज कर रही थी, पर मेरे साथ रहती थी, पर अब इसके साइन लेने के बाद इसके साथ रहना तो दूर, मैं शायद फिर कभी इसे देख ही ना पाऊं। 15, 36, 22। आप तो गिर ही नहीं रहे, आप गिनी ही नहीं तो हमारी विश। आप रो रहे हैं, आप मत रोइए। आप तारे से मैं बोलूंगी आपकी विश पूरी कर देगा तार। किस्मत हुई, मैं तारे गिन रही थी। ये क्या, मैंने तो तारा मांगा था, आपने मुझे मोती दे दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मोती मेरी सारी विशेष पूरी करती। अरे आप मत रोइए, मैं जीत गई प्रज्ञा। तुम्हें मैंने अभी से अलग कर दिया, अब जबकि तुम अभी से अलग हो ही चुकी हो, तो तुम इस फोटो को उसके साथ क्या कर रही हो? यहाँ पे भी अलग होना चाहिए ना। तुम्हारे मंगलसूत्र ने तुम्हें बांध के रखा था, पर मेरी एक साई ने तुम दोनों को अलग कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। कल सुबह मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स के साथ ये फोटो गिफ्ट करूंगी, उस वक्त तुम्हारे एक्सप्रेशन देखने लायक होंगे, और मैं तुम्हारा फोटो भी खींचूंगी, और वो फोटो मैं अपने साथ हमेशा रखूंगी, जो मुझे हमेशा अपनी जीत का एहसास दिलाएगा।
छुपा रही हो? मैं क्या छुपा रही हूँ? कुछ भी तो नहीं। एक मिनट तनु, क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ भी तो नहीं। प्रज्ञा जैसी बीवी कभी नहीं बन पाओगी। जिस तरह वो मेरे लिए सैक्रिफाइस करती है, मुझे सपोर्ट करती है, तुम वो कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि तुम मेरी बच्चे की माँ बनने वाली हो ना। लेकिन काश कि ये जो यहाँ पर लेटी हुई ना, ये मेरे बच्चे की माँ बनती। लेकिन इसके लिए मैं ना तुम्हें दोष दूंगा ना अपने आप को, क्योंकि किस्मत, मेरी किस्मत चाहती नहीं ना कि मैं खुश रहूं। इसलिए जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरी शादी इससे करवा दी, और जब ये मेरी बीवी थी ना, तब तुम प्रेग्नेंट हो गई। गलत वक्त पर गलत इंसान से मिलवा दिया और सही वक्त पर सही इंसान को दूर करवा दिया। और मेरी किस्मत और तुम्हारी नफरत प्रज्ञा को भले ही मुझसे दूर कर दे, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए जो फीलिंग्स है, जो प्यार है ना, उसे कभी खत्म नहीं कर सकती। प्रज्ञा मेरा प्यार है और हमेशा रहेगा। हे सच्चे बादशाह, परिवार में सुख शांति बनाए रखना, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अभी अभी ये क्या बात है बेटा, तू यहाँ क्यों सो रहा है? दादी मैं अपने मन से बहुत उदास हूँ दादी, सारी रात सो नहीं पाया। समझ में नहीं आ रहा कि ये बातें अगर शेयर करूँ भी तो किसके साथ करूँ। क्या चल रहा है तेरे मन में? इधर आ, तू इधर बैठ। अब बता, हाँ क्या चीज परेशान कर रही है तुझे? क्या चल रहा है तेरे मन में? प्रज्ञा के साथ कुछ? हाँ समझ गई, प्रज्ञा के साथ कुछ हुआ होगा। तू ठहर, मैं अभी पूछ के। नहीं दादी, प्रज्ञा ने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है दादी। मैं अपनी वजह से ही परेशान हूँ दादी। बात क्या है, साफ से बता। दादी मुझ में जो थोड़ी बहुत अच्छाई है ना, वो आप ही की वजह से। आप ही कहा करती है ना कि जिंदगी में आगे बढ़ते वक्त अच्छाई को नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ। लेकिन मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था दी। मैंने अपनी अच्छाई छोड़ दिया था दी। जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में मैं हार गया था दी। ये तो क्या कह रहे हो, साफ साफ बता ना, हुआ क्या है? दादी नहीं, मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूँ। मैं आपकी नजरों में नहीं गिरना चाहता। तू पागल हो गया? तू बच्चा है मेरा, खून है मेरा, उससे गलती तो हो सकती है, तू गलत काम कभी नहीं कर सकता। तू जैसा भी है ना, तू मेरी नजरों में वैसा ही है। पक्का क्या? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।